सकता था। क्यों जी? प्रथम गुरु पिता को भी तो कहा जा सकता था, लेकिन नहीं गए। क्यों? क्योंकि कहा पिता तो संतान को जन्म देने के बाद शिक्षा और संस्कार देता है, पर माँ गर्भ से ही अपने बच्चे को संस्कार देना प्रारंभ कर देती है। कहा माँ तू क्या है? तो कहा माँ तू तो कुंभकार है। माँ क्या है? कुंभकार है। और कुंभकार क्या करता है? घड़ा बनाता है। और कहा गुरु क्या करता फिर? अगर माँ कुंभकार है तो गुरु क्या है? तो कहा गुरु जो है वो चित्रकार है। अगर माँ ने घड़ा टेढ़ा बना दिया तो गुरु उसके ऊपर चित्रकारी तो कर देगा, पर टेढ़ेपन को सीधा नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों विचार करना, अक्सर हम देखते हैं घर में जब बच्चे बिगड़ने लगते हैं तो घर वालों के मन में विचार आता है, चलो घर में बच्चा बिगड़ गया, मास्टर जी स्कूल में सुधार देंगे। और जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है वैसे विद्यालय में बच्चों का नामांकन करा देते हैं। अगर गरीब है तो सरकारी स्कूल में करा दिया, अगर संपन्न है तो CBSE कोर्स करा दिया। और आजकल विद्यालय के नाम पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। कहते हैं एक कुएं पर तीन महिला पानी भर रही थी। ध्यान से सुनिएगा, कहा एक कुएं पर तीन महिला पानी भर रही थी और विद्यालय में छुट्टी का समय हुआ। एक बालक हाथ हिलाता आया, सूट बूट में, पीठ पर बस्ता, गले में टाई, सुंदर सा ड्रेस शरीर पर था। हाथ हिलाकर कहता है हाय मॉम और कहकर घर चला जाता है। उस बच्चे की माँ कहती है देखो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। क्या कहा? मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। कहते हैं थोड़ी देर में फिर दूसरा बच्चा आता है, वो भी पूरे सूट बूट में था, गले में टाई, पीठ पर बस्ता, हाथ हिलाकर कहता गुड आफ्टरनून मॉम और कहकर घर को चला जाता है। उस बच्चे की माँ कहती है देखो मेरा बेटा CBSE कोर्स कर रहा है। थोड़ी देर में फिर तीसरा बालक आता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है माँ पानी से भरी बाल्टी बहुत भारी है, ला मैं घर ले चलता हूँ। बाल्टी उठाता है और घर को चल देता है। उस बच्चे की माँ कहती मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मेरी माताओं बहनों भाइयों याद रखना, अगर हमें लगता ऊंचे विद्यालयों में ऊंची बिल्डिंगों में नामांकन करा के अगर हम अपने बच्चे को सुशिक्षित सुसंस्कारी बना देंगे तो ये हमारी गलतफहमी है। अगर बच्चे में सबसे पहले संस्कार का नींव कोई डालता है तो वो माँ होती है। प्रथा कहा प्रथम गुरु अगर कोई है तो माँ है, और प्रथम पाठशाला कोई है तो वो उसका परिवार है। मेरी बहनों विचार करना, उस देव दयानंद ने हमें उठाने का कितना प्रयास किया, पर आज हम देखते हैं हमारे देश की कैसी स्थिति हो गई है। हमारे देश में आज एक चुनाव होता है, थोड़ी देर बात ना करें, बस 10-15 मिनट की बात रह गई है। आज हमारे देश में एक चुनाव होता है और उस चुनाव को मिस वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्यों जी? आप सबों ने भी नाम सुना होगा मिस वर्ल्ड का चुनाव। अभी की मिस वर्ल्ड कौन है? अभी वर्तमान में यहां सब आर्यजन बैठे हैं इसीलिए मालूम नहीं है, है जी? आज हमारे देश में मिस वर्ल्ड का चुनाव होता है, मिस यूनिवर्स का चुनाव होता है, मिस स्टेट का चुनाव होता है, गांव के लेवल पे भी सुंदरी को चुना जाता है। और सुंदरी को चुनने के लिए क्या देखा जाता है? मिस वर्ल्ड के लिए क्या होना चाहिए? रंग की गोरी गट्ट होनी चाहिए, नैन नक्स अच्छा होना चाहिए, फिटनेस अच्छा होना चाहिए, एक सौंदर्य का मापदंड तैयार किया जाता है। और जो लड़की उस मापदंड पर खड़ी उतरती है उसे मिस वर्ल्ड की उपाधि दी जाती है, उसे मिस यूनिवर्स की, मिस स्टेट की उपाधि दी जाती है। भले उसके पास इज्जत हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।